हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। और चलिए, मैं आज रोज़ प्लांट पर दिखा रही हूँ। मेरे रोज़ प्लांट की ब्लूमिंग देखिए कितनी अच्छी हो रही है। थोड़े से फ्लावर इस तरीके से अगर सूख गए हैं ना, तो इसको इस तरह सूखे फ्लावर को थोड़ा सा देखिए, यहाँ से ऐसे नीचे से थोड़ा यहाँ से आप हटा देंगे ना, इसकी वजह से दूसरे फ्लावर खिलने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सुंदर से फ्लावरिंग हो रही है मेरे रोज़ प्लांट की, देखिए। और मैंने इसे पानी नहीं दिया है, थोड़ी मिट्टी मेरी सूख गई है। और मैं बताऊंगी कि पानी कैसे देना चाहिए प्लांट में, और किस तरीके से मैं पानी दूंगी, किसके साथ पानी दूंगी, वो बताऊंगी आपसे। सबसे पहले देखिए, यहाँ थोड़े से प्लांट आपको दिख रहा है ना, ये फ्लावर, इसमें कांटे भी बहुत है। देखिए इस तरीके से फ्लावर अगर सूख जाए तो उसे हटा देना चाहिए। ये फ्लावर देखिए खिल गया, लेकिन यहाँ से देखिए आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ये टूट भी गया है। देखिए ये फ्रेंड, देखिए कितने अच्छे फ्लावर टूट गए हैं, कितने प्यारे फ्लावर खिल रहे थे। तो रोज़ का प्लांट इतना सुंदर प्लांट है, इसके अगर पत्तियां भी, फ्लावर के पत्ते जो होते हैं ना, ये वाले, इस तरीके से आप इसका रोज़ वाटर बना के रख सकते हैं। ऐसे पत्तियों को, इसके पेटल को खोल करके और पानी में इसको अच्छे से खुला करके रख लें, ठंडा करके कोई भी बोतल में, स्प्रे बोतल में रख लें, बहुत ही अच्छा मतलब काम करता है। देखिए रोज़ प्लांट इतना मतलब गुणकारी है, बहुत सुंदर है। कलर देखिए कितने प्यारे प्यारे खिले हुए हैं। यहाँ देखिए ये वाला कितना सुंदर सा रेड कलर है, ये है थोड़ा ऑरेंज कलर आपको दिख रहा होगा, इधर पिंक कलर है। एक देखिए आपको दूर में कलियाँ दिख रही है ना, देखिए ये वाली बहुत सुंदर से खिल रही है। और आपको दिखा रहे हैं बहुत सारी, देखिए ये वाला जो प्लांट बना येलो कलर का है। तो सबसे पहले मैं हल्के से सारी मिट्टी की गुड़ाई कर दूँगी फ्रेंड, देखिए हल्के हल्के से, साइड साइड से हल्के हल्के से इस तरीके से गुड़ाई कर दूँ। देखिए मिट्टी मेरी आपको पूरी सूखी दिख रही होगी ना, पूरी मिट्टी सूख गई है मेरी। पानी मैंने दिया ही नहीं है इसे बहुत दिनों से, मतलब बहुत दिन से क्या ही बताऊँ, 3-4 दिन हो चुके हैं। पानी थोड़ी सी ज़्यादा, कभी कड़ी धूप हो जाती है, कभी पूरा बदरी हो जाता है, तो कभी ये सूख जाता है, इसलिए मैं मिट्टी हमेशा चेक करके देती हूँ। और रोज़ प्लांट हैवी फीडर प्लांट है, और अच्छी मतलब अभी इसको, इस समय अगर आप नहीं इसको देते हैं, देखिए ये तो गुड़ाई किया हुआ है, अभी इसे फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं आप अच्छे वाले, तो ये अच्छे फ्लावर अभी समय है इनका करने का। जनवरी फरवरी बहुत ही अच्छा समय है इनका फ्लावर करने का, अगर नहीं देते हैं तो फिर ये कैसे करेंगे। तो इससे ज़रूरी है, पानी के साथ भी दे सकते हैं आप, ड्राई में भी दे सकते हैं। तो मैं हफ्ते में एक बार इसे वो फर्टिलाइज़र इसे देती हूँ। तो चलिए मैं क्या देती हूँ वो दिखाऊँगी। और थोड़े पानी की वजह से इधर देखिए मेरे गजानिया डिज़ाइन के कलर के, ये गुलदौदी के प्लांट थोड़े स्पेंड हो रहे हैं फ्लावर, सभी को मुझे कटाई उटाई करनी पड़ेगी। और यहाँ देखिए मैंने सारे ब्लैंक सूट्स जो भी कटिंग किए थे ना, कितने प्यारे प्यारे पत्ते दिखे, और कितनी कलियाँ आ रही है, कलियाँ देखिए भर भर के आ रही है, सब में आपको कलियाँ दिखा, और पत्ते देखिए कितने प्यारे हैं। तो इस पर मैं सुपर फास्पोर्ट, सुपर सोनाटा का सुपर सोनाटा SPM का मैं उसका स्प्रे करती हूँ, और इंसेक्टिसाइड में वो मतलब टॉनिक भी है और इंसेक्टिसाइड भी है, बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसे मैंने बस फंगीसाइड का स्प्रे किया था, लेकिन वो हो गया मुझे 15 से 20 दिन पहले ही मैंने कर दिया था, अब नहीं कर रही हूँ। पत्तों पर अभी दाग है, इसलिए दाग है क्योंकि अभी सावरिंग मतलब हो ही रही है। तो चलिए मैं दिखाऊंगी कि पानी में क्या डालती हूँ। ये देखिए ये है मेरा पानी, और सारे को तो मैं गुड़ाई कर दी, आप इस तरह से तरीके से गुड़ाई कर सकते हैं। और देखिए आज मैं स्प्रे करने वाली हूँ NPK 20-20-20 NPK 19-19-19। पहले मैंने एक हफ्ते पहले इसको किया था स्प्रे, और आज मैं इसका स्प्रे करने वाली हूँ। उसके साथ मैंने एप्सम सॉल्ट डाला था NPK 19-19 के साथ, और उसके एक हफ्ते के बाद मैं इसको 20-20-20 दे रही हूँ। और देखिए ऐसे ही एक, जैसे ये एक मग पानी है ना, इस तरीके से मैंने पानी ले लिया, देखिए ये पानी है, और इसी पानी में आप इतना देखिए इतना आधा चम्मच, एक मगे पानी में आधा चम्मच इस तरीके से दे करके ऐसे घोल करके मैं इसको पानी में भी डाल दूँगी और इसका स्प्रे भी कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से पानी में घोला और ऐसे मैंने मिट्टी में डाल दिया, बस थोड़ा सा ही, देखिए इस तरीके से दो प्लांट में मैंने डाल दिया। तो क्वांटिटी भी आपका सही होना चाहिए, इसी तरीके से देखिए एक मग पानी लूँगी और इसी तरीके से मैं दूसरे प्लांट में डाल दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब फर्टिलाइज़र है, देखिए इतना सा आपको फिर से मैं दिखा रही हूँ, देखिए इतना सा बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। और इसमें NPK 20-20 है, नाइट्रोजन है,
पोटासियम है, फास्फोरस है, बहुत सुंदर सा रिजल्ट देता है, तो ज़रूरी है। और इसके बाद फिर मैं देखिए थोड़ा सा इसमें और दे देती हूँ, कम पड़ गया था। देखिए इस तरीके से आप दे दें फ्रेंड सारे प्लांट में बहुत ही अच्छे से, और इसी तरीके से मैं सारे प्लांट में दे दूँगी। और इस देखिए ऐसे ही आप इसका स्प्रे भी फिर मैं प्लांट में कर दूँगी। तो फ्रेंड देखिए मैं ये मेरा बकेट है, मैंने पानी लिया सारे प्लांट में देने के लिए। मैं जैसे कि मेरा ये देखिए 5 लीटर का पानी है, तो 1 लीटर 2 लीटर में देखिए मैं 1 चम्मच देती हूँ। ये देखिए ये 1, ये हो गए 2, और इससे आधा चम्मच लूँगी, बस इतना ही। इतने को मैं सारे पानी में ऐसे करके घोल दूँगी अच्छे से और सारे प्लांट में दे दूँगी। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, और ये हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन भर भर के देता है। और रोज़ प्लांट को यही फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद है। NPK 19-19 दे सकते हैं, ऐसे छोड़ छोड़ के NPK 19-19 के साथ एप्सम सॉल्ट मैंने मैग्नीशियम सल्फर दिया था, और उसके बाद फिर आप देखिए 20-20 का मैं इसको पानी के साथ दे रही हूँ। और पानी के साथ मिट्टी में दे तो फिर स्प्रे नहीं करें, क्योंकि कल मैंने सुपर सोनाटा का स्प्रे किया था प्लांट में, और इसलिए मैं अभी आज इसको स्प्रे नहीं करूँगी, इसलिए मैं इसको स्प्रे नहीं करूँगी फ्रेंड। स्प्रे मैं कर दूँगी 1-2 दिन के बाद, मैं इसको स्प्रे कर दूँगी इसी का। बहुत ही अच्छा, फिर जैसे सुपर सोनाटा दिया आपने, फिर आप इसको दे सकते हैं NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। फिर उसको आप हफ्ते में एक बार इसी तरीके से आप चेंज कर करके दे सकते हैं बहुत ही अच्छे से। अब प्लांट को इस तरीके से दें, और बोन मील वगैरह अगर अभी आप देते हैं तो बोन मील 2 महीने में डाइल्यूट होना शुरू होता है, तो बोन मील को मैंने पहले ही दे दिया था मिट्टी के साथ, इसलिए मैं नहीं दी हूँ। आपको मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे, वर्मी कंपोस्ट और बोन मील सब मैंने दिया था इसको। अभी मैं इसको यही फर्टिलाइज़र दे रही हूँ NPK 19-19, फिर चेंज करके सुपर सोनाटा का स्प्रे करती हूँ 1 हफ्ते के बाद। फिर 1 हफ्ते के बाद मैंने 20-20 दिया इसको, ऐसे ही ऐसे आगे पीछे करके चेंज कर करके देती हूँ। और उसके बाद आप इसमें ताकत का जो ह्यूमिड पोटाशियम आता है वो आप इसको दे सकते हैं। वो मैंने अभी, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ताकत का नवल का ताकत का जो फर्टिलाइज़र होता है सीविड वाला, जो सभी तरह का न्यूट्रिशन है उसमें, वो है मेरे पास, तो मैं वही है वो नहीं इसमें देना है, पोटाशियम वाला देना है। हमें पोटाशियम जो आता है वो आप दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, और आप रिज़ल्ट उसके बाद देखेंगे कितने अच्छे फ्लावर आपको भर भर के मिलेंगे, बहुत सुंदर सा। तो मिट्टी में पानी के साथ मैंने दिया, खाली पानी नहीं दिया, पानी के साथ ही दिया, तो बहुत ही अच्छा दिखे सारे रूट्स को, ये ग्रोथ अच्छी करेगा और अच्छी अच्छी फ्लावरिंग लेगा सुंदर सा। इसी तरीके से आप सारे प्लांट में अपना केयर कर सकते हैं। और स्प्रे मैं 2-3 दिन के बाद करूँगी, अभी नहीं करूँगी। तो देखिए फ्लावर कितने अच्छे आ रहे हैं। तो इसी तरीके से अपने रोज़ प्लांट की केयर करें, जो जो फर्टिलाइज़र नहीं दिए हैं आप दे सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा रोज़ के प्लांट पर ये फर्टिलाइज़र, तो जिन्होंने नहीं दिए हैं वो ज़रूर दे दें, और रिज़ल्ट देखें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका, रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड, कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड।